एवरीवन, कैसे आप सब? आई होप आप सब बहुत 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 अच्छे होंगे। आज मैं लेके आई हूँ आप सबका फेवरेट हॉल। मैंने मीशो से एक बहुत बढ़िया सी एक मशीन मंगवाई है, मैं आप सबको दिखाती हूँ क्या है वो। यू कैन सी गाइस, ये मुझे कुछ इस टाइप की पैकिंग में मिला है और आप सब गेस कीजिए क्या होगा इसमें। और ये मुझे रिसीव हुआ है 1080 रुपीज में। अभी मैं इसको कटिंग करके दिखाती हूँ क्या निकला इसमें से। मेरे इसमें से ये न्यूज़पेपर निकले हैं, ये भी न्यूज़पेपर निकला है और ये मैंने मशीन मंगवाई है स्पाइरल पोटैटो के लिए। एक्चुअली लास्ट टाइम मैं यमुनानगर गई थी तो वहां ना मैंने स्पाइरल पोटैटो खाया था और वो मुझे इतना अच्छा लगा था। अब मैं रोज रोज तो यमुनानगर जा नहीं सकती तो इसलिए मैंने इसका सॉल्यूशन सर्च किया और वो ये था कि मैं ऑनलाइन, मुझे ये मशीन दिखी और मैंने ये मंगवा ली। और स्पाइरल पोटैटो बनता कैसे है वो तो मैं आप सबको बाद में दिखाऊंगी, लेकिन अभी मैं इसको अनबॉक्स करके दिखाती हूँ इसमें से मशीन कैसे निकली। देखते हैं इसमें से मशीन कैसे निकलती है। अरे यार ये खुलेगा कैसे? खुल गया खुल गया खुल गया। अरे ये निकली है इसमें से और बॉक्स में कुछ नहीं है। आई थिंक ये इसका हैंडल है और ये एक्चुअली इसमें ना हल्की क्वालिटीज भी पड़ी थी 5-5, 6-6 हंड्रेड वाली, लेकिन मैंने वो नहीं मंगवाई। मैंने कहा वन टाइम इन्वेस्टमेंट है तो मैं ये 1100 के नियर अबाउट पड़ी मुझे 1080 रुपीज की, तो मैंने ये मंगवा ली। अभी स्पाइरल पोटैटो बनते कैसे हैं वो मैं आप सबको दिखाऊंगी नेक्स्ट वीडियो में, अभी पहले मैं इसको दिखाती हूँ आपको। तो गाइज इन्होंने ये हमें ब्लेड दिया हुआ है और साथ में इन्होंने दो ब्लेड हमें और दिए हैं ताकि अगर ये खराब हो जाए तो हम इसको चेंज कर सके। और ये इसका हैंडल है, अभी मैं इसको हैंडल को लगाती हूँ। और ये पेंच इन्होंने साथ में दिया हुआ है। तो ये गाइस हमने इसका ये हैंडल लगा लिया, आप देख सकते हो ये इसको ऐसे पकड़ के घुमाना है और यहाँ पे हम पोटैटो डालेंगे तो यहाँ से ऐसे ऐसे करके वो स्प्रिंग की तरह जो है बाहर निकलेगा, कुछ ऐसे ही सिस्टम लग रहा है। एक ये बटन सा इन्होंने दिया हुआ है इसको खोलने के लिए, दो एक्स्ट्रा इन्होंने हमें ब्लेड दे दिए, अगर ये ब्लेड खराब हो जाए तो हम चेंज कर सकते हैं। और ये स्टील का मटेरियल है तो इन्होंने इसके ऊपर ये व्हाइट कलर का जो है शीट लगा रखी है ताकि जो स्टील का है इसके ऊपर स्क्रैचेस ना पड़े। और ये स्टील का ये निकालने के बाद जो है ये कुछ इस टाइप से हमें दिखाई दे रहा है, आप देख सकते हो इसकी ये व्हाइट कलर की शीट निकालने के बाद हमें स्टील का ये कुछ नया नया सा अंदर से मटेरियल सा दिख रहा है ये है। और मैं स्पाइरल पोटैटो कैसे बनते हैं वो आपको मैं दिखाऊंगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तो मेरी नेक्स्ट वीडियो देखना ना भूलिएगा। अभी और मैं दिखाती हूँ इसके साथ मैंने और क्या मंगवाया है। और गाइस इसके साथ मेरा एक और ऑर्डर मुझे आज रिसीव हुआ है तो इसमें देखते हैं क्या है। ये मुझे रिसीव हुआ है 336 में, आई थिंक ये मेरी कोई ड्रेस है, मैंने समर्स के लिए ऑर्डर किया हुआ था तो देखते हैं इसमें मेरी क्या ड्रेस आई है। मुझे अपनी ड्रेस ही देखिए। यस, ओ ये मैंने अपना कुर्ता ऑर्डर किया हुआ था वो आया 336 में मुझे रिसीव हुआ। इसमें ये ग्रे कलर का मुझे कुर्ता रिसीव हुआ है, कॉटन का स्टफ है ये। मैम अमाउंट क्या है इसका? 336। और ये मैंने डबल एक्सल साइज में ऑर्डर किया था तो ये डबल एक्सल साइज ही आया है। और ये इसमें आप देख सकते हो ये छोटी छोटी इस टाइप की लाइंस भी हैं इसमें, बारीक बारीक बिल्कुल। राउंड नेक है इसका और नेक पे भी इन्होंने मुझे इस टाइप का वर्क दे रखा है। वाओ मैम सीरियसली awesome। और ये नीचे इन्होंने डिजाइनिंग के लिए मुझे कुछ इस टाइप का दिया हुआ है बना के। और ये स्लीव्स इसकी इतनी दी हुई है और स्लीव्स पे भी सेम वर्क है, सेम डिजाइनिंग है, छोटी छोटी लाइंस, बारीक बारीक ग्रे कलर की, सिल्वर कलर की। और स्लीव्स पे इन्होंने कुछ ये एक बटन लगाया हुआ है ब्लैक कलर का और हल्का सा जो इसका पैंट का जो स्टफ है ब्लैक कलर का कुछ उसका यहाँ पे डिजाइनिंग की हुई है। और स्लीव्स पे ये इन्होंने बॉर्डर लगाया हुआ है
जिस कलर का कुर्ता है उसी का इन्होंने ये बॉर्डर लगाया हुआ है। यू कैन सी गाइस, ये इसका बैक है और इसके साथ मुझे जो है ये एक पैंट रिसीव हुई है। ये ब्लैक कलर की पैंट है, ये भी कॉटन का स्टफ है और इसपे सिल्वर कलर की बारीक बारीक लाइंस हैं, कुछ वर्क इन्होंने इस टाइप का दिया हुआ है मुझे। और साथ में ये बेल्ट रिसीव हुई है, मुझे बेल्ट भी सेम इसी स्टफ की है और सेम डिजाइनिंग की है। आगे से प्लेन है ये और पीछे से इसमें इलास्टिक डाला हुआ है। ये इसका बैक है और इसमें मुझे पॉकेट्स भी मिली हैं, दोनों साइड पॉकेट्स हैं इसमें, इस साइड भी और इस साइड भी ये पॉकेट्स हैं इसमें। और 336 में मुझे तो बहुत अच्छा लगा ये, क्योंकि एक्चुअली लास्ट टाइम मैं यमुनानगर गई हुई थी तो मैंने मार्केट से एक अपना कुर्ता परचेज किया था पैंट प्लाजो वाला। यू कैन इमेजिन गाइस, वो मुझे मिला था 1700 में, सेम था मतलब कलर चेंज था वो। तो अभी ये मैंने ऑनलाइन देखा तो ये ओनली मुझे 336 में मिला है और मुझे क्वालिटी इसकी बहुत अच्छी लग रही है। जो मैंने मार्केट से परचेज की थी वो भी क्वालिटी अच्छी थी, लेकिन इसकी क्वालिटी भी मुझे बहुत अच्छी लग रही है। तो अभी मैं इसको ट्राई करके देख, यू कैन सी गाइस, ये मैंने ट्राई किया है और मुझे इसकी फिटिंग बहुत अच्छी आई है। और आप सब भी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि ये कैसा लग रहा है आप सबको ओनली 336 में। यार आजकल तो स्टिचिंग भी इतनी ज्यादा हुई हुई है कि आई थिंक 1000 पे इसकी स्टिचिंग ही ले लेते हैं, आप देख सकते हो। और मुझे फिटिंग इसकी बिल्कुल प्रॉपर आ गया है। ओके बाय बाय गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आप सबको दिखाने वाली हूँ कि स्पाइरल पोटैटो मैंने कैसे बनाया, कैसे उसे फ्राई किया, क्या क्या मैंने उस पर मटेरियल यूज किए। तो नेक्स्ट वीडियो मेरी देखना ना भूलिएगा आप सब, और कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा आप सबको ये वीडियो कैसा लगा। ओके बाय बाय।